ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन सवाल एक बार फिर से उठाना चाहेंगे, आखिर कब तक हम इस सड़े गले समाज का हिस्सा बने रहेंगे? आखिर कब तक हम सिर्फ सहते रहेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे? एक युवा जोड़े को, एक लड़के को, एक लड़की को कत्ल कर दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, और हम सिर्फ ये कहकर चुप हो जाते हैं कि गलत हुआ। क्या उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई जाती या उसका कोई हल नहीं निकाला जाता? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं हमारे मेहमानों से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तारुफ है, राजेंद्र खत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, खाप नेता है। राजेंद्र खत्री जी, स्वागत है आपका एमएचएन न्यूज से। 307 खाप के प्रधान हैं, साथ साथ हमारे साथ हैं पूनम भटनागर जी हैं, समाज सेविका हैं। पूनम जी स्वागत है आपका एमएचएन न्यूज में। साथ साथ हमारे साथ नुपुर शर्मा जी हैं, छात्र नेता हैं काफी, और कहें कि तेज तर्रार नेता हैं और युवाओं के लिए काफी बढ़ चढ़ कर बोलती हैं। उनसे भी जानेंगे कि युवा क्या सोचता है, क्योंकि सवाल युवाओं पर ही उठ रहे हैं कि क्यों आखिर वो प्यार करने की जरूरत करते हैं, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ अंजू, डॉक्टर अंजू रावत नेगी जी हैं, एडवोकेट हैं, समाज सेविका भी काफी काम करती हैं। अंजू जी स्वागत है आपका एमएचएन न्यूज में। शुरुआत राजेंद्र जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हकीकतें अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि हुआ क्या था, हरियाणा में आखिर चल क्या रहा है, और हरियाणा ही क्यों, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर किस तरह से इज्जत के नाम पर देश के युवाओं का कत्ल किया जा रहा है। देश का युवा जाग गया है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बावजूद इसके युवा अपने माता पिता के सामने अपने प्यार का, अपने सपनों का इजहार तक नहीं कर पाते। उन्हें डर सताता है कि अगर उन्होंने अपने माता पिता को उनके दिल की बात, उनके मन में जो है वो बता दिया तो क्या होगा, क्योंकि लगभग हर केस में अब तक यही होता आया है, युवा आवाज तो उठाता है पर समाज के कुछ लोग उस आवाज को दबा देते हैं, कभी सामाजिक ताने बाने की दुहाई देते हैं तो कभी सरकार पर परंपरा को तोड़ने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, सभ्यता है, तुम उसे तोड़ नहीं सकते, भले ही इसके लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। हरियाणा में हॉरर किलिंग, देश भर में छिड़ी बहस, युवाओं ने पूछे सवाल, हॉरर किलिंग की निंदा की, खाप नेताओं ने लगाए आरोप, सरकार तोड़ रही है परंपरा। हरियाणा के रोहतक के पास गांव गरनावटी में हुई हॉरर किलिंग के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई है। पूरे देश से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर प्यार की सजा मौत क्यों दी गई है, क्यों खाप पंचायतों ने प्रेमी जोड़ों को ऐसी सजा सुनाई, क्या झूठी शान के आगे इंसान कुछ भी नहीं है, आखिर वो कौन सी वजह रही जिसके कारण प्रेमी जोड़े को मौत के घाट उतारा गया, पूरा देश सवाल पूछ रहा है। हरियाणा के सोनीपत से कुछ युवाओं ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। I think it's disgusting. और ऐसे मतलब हो सकता है कि गलती हो सकती है बच्चों से भी, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल ही मतलब बेरहमी से मार धाड़ मचा दो, फैमिली वालों को भी समझना चाहिए। इतनी बेरहमी से तो हम किसी जानवर को भी तो नहीं मारते। समाज को इतना, समाज आगे बढ़ चुका है, इंडिया इतना डेवलप हो चुका है, लड़कियों को पूरी परमिशन है कि वो पीजी करे, यूजी करे, पढ़े, आगे पढ़े, लेकिन बस थोड़े से अट्रैक्शन के लिए अगर ऐसे काम हो रहे हैं तो मेरे को लगता है कि इंडिया हमारा भी डेवलप नहीं हुआ और इसको आगे करना है हमें। वहीं हरियाणा के कई जाट नेताओं ने रोहतक में हुई हॉरर किलिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति और खाप के प्रवक्ता ओपी मान ने कहा कि कुछ लोग समाज की परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हॉरर किलिंग के लिए सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। हॉरर किलिंग जो ये होती है, इसके लिए मैं सरकार को भी उत्तरदायी मानता हूँ और मीडिया को भी, और हमारे जो समाज के जो अवाचनिक तत्व हैं, जो बच्चे समाज को नहीं मानते, जो बच्चे हमारी परंपराओं को नहीं मानते, जो बहुत पुरानी परंपराएं हैं जो हमेशा से चलती रही हैं, उन परंपराओं को तोड़ने का जो काम करते हैं वो बच्चे अच्छे नहीं हैं, कि लड़का हो चाहे लड़की हो, और उसको तोड़ने के लिए सरकार ने शेल्टर हाउसेज खोल दिए, उनके हौसले बुलंद कर दिए, प्रेस ने उनको ये दिखा दिया कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में गांव की लड़की गांव के लड़के शादी कर सकती, गोत्र क्या होता है, ऐसे उन बच्चे वो अपना वो हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने ऐसे कार्रवाई करते हैं, और ये गलत परंपरा जो डाल रहे हैं, गांव की लड़कियों, गांव का लड़का भगा ले जाता है, हम गांव की लड़की जो छत्तीस बिरादरी कोई हो उसको बेटी और बहन मानते हैं।
हरियाणा के खाप नेता हवा सिंह सांगवान का तो ये भी कहना है कि कुछ लोग हरियाणा के सामाजिक ताने बाने को खत्म करना चाहते हैं। ऑनर किलिंग की घटनाएं दिल्ली के चारों तरफ ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर गोत्र प्रथा है और गोत्र प्रथा में एक ही गोत के लड़के लड़की को भाई बहन माना जाता है। जो समाज में ये प्रथाएं हमारे हजारों साल से चली आ रही है, लेकिन अभी जो जनरेशन है वो इस बात को नहीं मानती है, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए ये घटनाएं हो रही हैं, आने वाले समय में ये घटनाएं बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। कई जगह हो रही है लगातार, अभी कई लड़की कई जगह गाँव से भागे हुए हैं अभी भी। तो इनको रोकने के रोकथाम का एक तरीका है कि हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि पूरा हिंदू जो मैरिज एक्ट है वो पूरे देश के हिंदू के लिए लागू किया है, जबकि हिंदू की अलग अलग प्रथाएं हैं। साउथ में हिंदू जो है अपनी बहन की लड़की, बुआ की लड़की, मामे की लड़की से, लड़कों से आपस में शादी करते हैं और अच्छा रिश्ता माना जाता है, लेकिन यहाँ हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है, खास करके दिल्ली के चारों तरफ। तो इस और सभी समाजों में यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनमें सभी में ये प्रथा, इसको हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑनर किलिंग सभ्य समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसको रोकना है तो एक ही तरीका है कि हिंदू मैरिज एक्ट को जो है अमेंडमेंट किया जाए और उसको क्षेत्र के हिसाब से लागू किया जाए। इन बयानों से तो साफ लग रहा है कि हरियाणा में कुछ ऐसे समाज के ठेकेदार बैठे हैं जो समाज को इन कुरीतियों से बाहर निकलने देना ही नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी सत्ता को कोई चुनौती दे, कोई उनके खिलाफ जाए। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके हुक्म को हर कोई सुने, चाहे वो युवा हो या बच्चा। रोहतक से रवि कुमार, MH1 न्यूज। हकीकत आप देख चुके हैं, बात करते हैं मेहमानों से, क्या उनके पास कोई हल है, क्या उन्हें लगता है कि जो चल रहा है वो सही है। शुरुआत हम राजेंद्र खत्री जी से करेंगे, खाप नेता हैं, वो ज्यादा करीब से जानते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्यों आखिर ये सब कुछ चल रहा है। राजेंद्र जी, मेरा प्रश्न सीधा साधा है कि जिस तरह की चीजें हरियाणा में आई पिछले कुछ सालों में, आती पहले से रही है, ऐसा नहीं है कि अभी से हुई है, लेकिन जिस तरह से निकलकर सामने आई या मीडिया का दखल रहा और पता लगा लोगों को, लोगों तक पहुंची है जानकारी कि हाँ सचमुच इस तरह से कत्ल हो रहे हैं, आपको लगता है कितना जायज है ये कि सिर्फ गोत्र और जात के नाम पर किसी का कत्ल कर देना, आप एक गांव के लड़के से शादी नहीं करेंगी, जायज है? नहीं, देखो ये जो हमारी परंपरा चलती हुई आ रही है कि भाई एक गोत्र में और एक गांव के अंदर शादी नहीं होगी, ये बिल्कुल एक ठीक है। हम एक गांव के रहने वाले हैं तो जो हमारे गांव की एक लड़की है वो हमारे, हम उसको अपनी बहन मानते हैं। कहीं भी अगर मान लो मैं किसी गांव में चला गया और मेरे गोत्र की, मेरे गांव की लड़की अगर उधर है, हम शादी में जाते हैं या जाते हैं, हम उसको अपनी बहन की तरह सम्मान दे करके उसको मान सम्मान हम देते हैं। ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल ठीक है, एक गोत्र में और एक गांव में हमारी शादी होनी बिल्कुल नाम। राजेंद्र जी, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके गांव का एक युवक किसी से उसके संबंध होते हैं या वो किसी से उसके साथ अच्छा फील करता है या कहें कि उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप उस पर भी आप कत्ल तक कर देंगे? नहीं देखो, कत्ल करना एक गलत है, हम ये जो घटना हुई है इसको बिल्कुल गलत मानते हैं। उसके भी तरीके थे, उनको बैठा करके वे किसी ने किसी के अपने दोस्त की, किसी रिश्तेदार की, किसी भाईचारे की, उसके बारे में उन्होंने पंचायत करनी चाहिए थी और इस चीज को बिल्कुल उन्होंने गलत किया है। लेकिन पंचायतों ने भी फैसले किए राजेंद्र जी, बहुत सारे हरियाणा में पंचायत ने किसी ने फैसला नहीं किया, ना आज तक किसी खापों ने ये कहा है कि भाई ये कत्ल कर दो या गलत कर दो, ये इस बात को आप लोग बगैर मतलब की उछाल रहे हो, भाई खापों ने ऐसे किया है। राजेंद्र जी, कभी खापों ने और पंचायतों ने ये भी तो नहीं कहा कि ये मत करो? किस चीज में कि इस तरह की चीजें ना? देखो जी, ये खापे में पीछे एक इस चीज के अंदर सवाल पीछे भी उठा था और हमारी खापों ने ये कहा था भाई हम एक गोत्र में और एक गांव में बिल्कुल हमारा बहन भाई का नाता होता है, हम बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। और ये एक उसके माँ बाप की भी ये गलती है कि उसको जो हमारे सांस्कृतिक विचार है, आपस में जो बातें हैं हमारी, उनको बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई ये हमारे गांव में क्या नाते होते हैं, क्या वो होता है, तो उन बच्चों को उसके बारे में उसकी शिक्षा देनी चाहिए भाई हमारे गांव की लड़की से हम ऐसे कर रहे हैं। या तो शिक्षा ले लीजिए वरना आपको सजा दी जाएगी। नहीं नहीं, सजा वाली बात तो नहीं है, आप उस चीज को मत करो जैन साहब, सजा वाली बात बिल्कुल नहीं है। न कानून किसी को ये कहता है कि भाई आप ऐसे गलत करो, बिल्कुल वो गलत हुआ है कि भाई उस लड़की के टुकड़े किए गए और लड़के के टुकड़े किए गए, हम बिल्कुल खापे हमारी इस चीज में विरोध करती है, कानून की लेना अपने हाथ में किसी का वो नहीं है।
भाई कोई कानून को अपने हाथ में लेकर के चले। डॉक्टर अंजू रावत नेगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ अगर हम बात करें, राजेंद्र जी कहते हैं कि बिल्कुल गलत है और कहीं ना कहीं अक्सर जो हमने कई नेताओं से बात की वो कहते हैं नहीं हम इसका खंडन करते हैं, लेकिन मुझे आज तक इस तरह की किसी पंचायत में नहीं सुनाई दिया। बहुत सारे मामले आए कि पंचायतों ने कहा हो कि नहीं हम इस तरह के मामले नहीं होने देंगे, हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस तरह के मामले करते हैं। आप लगातार इस तरह के लोगों से रही हैं, आप बहुत सारे जो प्रेमी लोग रहे हैं जिनकी शादी को लेकर सवाल उठते रहे उन्हें आप प्रोटेक्शन दिलाती रही हैं, इसके अलावा केवल इसी पर काम करती रही हैं कि किसी बच्चे का या किसी बच्ची के साथ इस तरह की घटना ना हो। आप क्या मानती हैं, जमीनी हकीकत क्या है, सच कह रहे हैं राजेंद्र जी? देखिए जी, राजेंद्र जी की जो विचारधारा या जो उन्होंने एक्सप्रेस किया मैं उसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। जो एक खाप पंचायतें हैं इनका एक हिपोक्रेट चेहरा है, ये सगोत्रीय विवाह, एक गांव में विवाह, एक गली में विवाह, एक मोहल्ले में विवाह को अप्रिशिएट नहीं करते, इट्स ओके। लेकिन ये इंटरकास्ट मैरिज को भी तो अप्रिशिएट नहीं करते। आप जो आज के हमारी युवा पीढ़ी है, जो कुछ बदलाव चाह रही है, जो कुछ नई सांस ले रही है, ये उन्हें किसी भी दशा में जीने नहीं देते। आप इनसे यहीं पे पूछ लीजिए, खत्री जी से, मैं आपसे बिल्कुल सादर निवेदन कर रही हूँ कि अगर आप सगोत्र विवाह को नहीं दे रहे हैं, एक गांव में विवाह को नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को इंटरकास्ट मैरिज कर लेने दे रहे हैं? बिल्कुल, अगर बच्चे उसमें सहमत हैं, वकील साहब बिल्कुल कोई इसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। सहमति का कहीं पर, अगर देखो दोनों बच्चे नहीं है, कहीं पर प्रश्न नहीं है। नहीं नहीं मैडम, ऐसे है, देखो अगर दोनों बच्चे चाहते हैं और वो बच्चे हमारे को ये दिखते हैं भाई ये अपना गुजारा कर सकते हैं एक ताव में आकर के नहीं तो उनको कर ले तो कोई हर्ज नहीं। इस बात का फैसला कैसे होगा? नुपुर जी भी हमारे साथ हैं, छात्र नेता हैं, युवा हैं और युवाओं की जो भावनाएं उन्हें ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। नहीं, मैं दो चीज है ना आपको एक्चुअली दो चीज बताना पसंद करूंगी यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप खाप कैसे आई। खाप पंचायत सिर्फ मैरिजेस के बारे में नहीं है। बिल्कुल, आप पहले मुद्दा समझिए। मैं खुद युवा नेत्री हूँ, दिल्ली की पढ़ी लिखी हूँ और मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न ख्यालों की लड़की हूँ। बाहर पढ़ी हुई, बाहर रही हुई, अकेली रही हुई लड़की हूँ। खाप पंचायत की स्टार्टिंग हुई थी 1857 की अपराइजिंग की वजह से जी। उस टाइम पे इम्पोर्टेंस इनकी इतनी ज्यादा थी क्योंकि सैनिक अगर आए थे तो खाप पंचायत से आए थे। पंचायत सिस्टम हमारा एक तरीके से लीगलाइज सिस्टम है क्योंकि हर जगह कोर्ट, हर जगह कचहरी नहीं है। हमारा जो पूरा आप लगा लीजिए जितने भी लॉज हैं, जितने भी हमारे रूल्स हैं इंडिया में, ज्यादातर समाज, कुछ भी कह लीजिए, मैं खुद वकील हूँ इसलिए कह रही हूँ, हमारे जितने भी लॉज बनते हैं वो समाज के ऊपर ही निर्धारित होते हैं, कभी भी बाहर से नहीं आते हैं। इम्पोर्टेशन इज अ फर्स्ट स्टेप टू सुसाइड, मैं कहती हूँ। दूसरी बात ये है कि एक्चुअली मैं बहुत लोगों को जानती हूँ हरियाणा में जो खाप के अंडर आते हैं, चाहे वो रोहतक हो गया और सोनीपत हो गया। इंटरकास्ट मैरिज में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ब्राह्मण फ्रेंड की शादी अभी एक जाट धैया से हुई है, वो भी सोनीपत के आगे कहीं जाके हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं, और रहते वहीं पे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज नो डिफेंस फॉर द इनडिफेंसिबल। आप लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले नहीं सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। आप इस देश में कहीं भी चली जाए, आप अल्ट्रा वायरस एक्स्ट्रा जुडिशियल क्लिनिंग को आप अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किलिंग को आप जस्टिफाई कर ही नहीं। नुपुर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा क्योंकि इससे एक सवाल उठता है। नुपुर जी कहती हैं कि कहीं ना कहीं चाहे कानून हो वो समाज से ही बनता है, समाज के ऊपर ही बेस्ड होता है, लेकिन सवाल ये है कि एक माता पिता इतने दबाव में क्यों आ जाते हैं, कहां से वो प्रेशर बिल्ट होता है ये जानेंगे। लेकिन एक